हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्री डी क्रिएशन सो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि थ्री डी मैक्स के अंदर वीरे लाइटिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो अभी हमारे पास एक स्टॉल है ये स्टॉल की हमारी मॉडलिंग और टेक्सचरिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है तो अब हमें इसकी क्या करनी है सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग तो अभी हमारे पास सीन में और कुछ अवेलेबल नहीं है सिर्फ एक यहाँ पर करेक्टर है और यहाँ पर हमारा एक एल स्क्रीन जो है वो टी वाली वो हमने यहाँ पर एल स्क्रीन रखी हुई है तो अब हमें एल स्क्रीन की नीड नहीं है और यहाँ पे जो हमारा करैक्टर है उस करेक्टर को भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेस कर देंगे जैसे कि मैंने ये करेक्टर को यहाँ पे प्लेस कर दिया अब ये करेक्टर यहाँ प्लेस करने के बाद मैं एक बारी कैमरा व्यू पे जाऊँगा सी प्रेस करूंगा तो मेरे यहाँ से सिलेक्ट कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से मैं कैमरा सिलेक्ट करूंगा जैसे कि मैंने सेलेक्ट करा है कैमरा नंबर फाइव फिजिकल कैमरा नंबर फाइव तो उसको ओके कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो कैमरा का एंगल आ गया तो अब मेरे को क्या करना है अब मैं इसको एक बार रेंडर करके देखूंगा रेंडर करने से मेरे को पता लगेगा कि मेरे सीन में अभी कहाँ कहाँ लाइटिंग अब आ रही है और कहा मुझे भी डालनी है तो सबसे पहले अभी मैं इसको एक रेंडर करूंगा शिफ्ट के ऊपर तो हमारा रेंडर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो अभी बेसिकली क्या है कि हमारा रेंडर जो है ये स्टार्ट हो चुका है तो अभी हमारा रेंडर जो है वो चल रहा है तो जैसे ही हमारा रेंडर कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे यहाँ पे अभी ओवरऑल सीन में जो है वो डार्कनेस ज्यादा है मतलब अभी जो इसकी कंसील लाइट्स की जितनी इंटेंसिटी है उस लाइट से जितना एरिया ग्लो हो रहा है उतना ही एरिया जो है वो ग्लो हो रहा है एक्चुअल में तो अभी क्या है कि अब हम इसके ऊपर वीरे लाइटिंग यूज़ करके इसको प्रॉपर एक रेंडर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे हम टॉप व्यू में टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हम एक वीरे लाइट जो है वो टॉप से लगाएंगे तो यहाँ से हम चलेंगे थर्ड नंबर पर फोटोमेट्रिक की जगह यहाँ पर हमने वीरे सेलेक्ट कर लिया वीरे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने वीरे लाइट पर गए और यहाँ से मैंने ऑटो ग्रिड जो है इसको ऑफ कर दिया ऑटो ग्रिड ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमने वीरे लाइट जो है वो क्रिएट करी और इस लाइट को मैं और इस लाइट को मैं ऊपर ले जाऊँगा ऊपर वाले फेस पे हमारा टॉप व्यू पे सेम ये यही लाइट को मैं फ्रंट व्यू में जाके यहाँ से इसका एंगल राइट क्लिक करके नाइन्टी डिग्री एंगल करके और मैं इसको लेफ्ट और राइट साइड भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे इसको मैं इंस्टेंट ही रखूंगा और इसको मैंने लाइट जो है वो एक यहाँ पे ऐड कर दी अब जो है हमारी लाइट का साइज जो है वो हमारा बढ़ा जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से पहले तो मैं मेक यूनिक करूंगा तो अभी यहाँ पे जो इसकी विर्थ है विर्थ को मैं छोटा करूँगा तो वर्थ को छोटा करने के बाद अब सेम लाइट जो है मैं यही लाइट तीनों जगह प्लेस कर दूँगा एक इसके लेफ्ट साइड में इंस्टॉल किया और एक इसके राइट right साइड में और एक इसके फ्रंट साइड में आप चाहो तो बैक में भी यूज़ कर सकते हो लेकिन बैक में भी मुझे कोई नीड लग नहीं रही क्योंकि बैक व्यू से में कुछ रेंडर वगैरह निकालना नहीं है तो जिस कंडीशन में मैं इसको फ्रंट पे ही निकालूंगा तो अभी हमारी लाइट्स जो हैं वो लग गई हैं प्रॉपर तो ये लाइट लग गई अब हम जाके एक बार इसका रेंडर करके देखेंगे तो रेंडर करेंगे रेंडर हमारा जो है वो पूरा ब्लैक आ रहा है वो इसलिए ब्लैक आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसकी लाइट्स की सेटिंग को सेट नहीं किया तो मैंने एक लाइट को सिलेक्ट किया वेरे लाइट को और यहाँ से इसका मल्टीप्लायर जो थर्टी है उसको मैंने कर दिया वन अब हम उसके नीचे जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे ऑप्शनस में जाने के बाद वो लाइट जो है यहाँ पे इनविजिबल पर टिक करेंगे तब अभी क्या है कि प्रॉपर हमारी जो लाइट है अगर मैं इसको टिक डीएक्टिवेट कर दूं, तो लाइट जो है हमारी वो प्रॉपर लगी हुई है लेकिन जितना हमने स्क्वायर इसको बनाया है ना लाइट का अभी जो हमारी लाइट जो है वो लगी हुई है अगर हम इसको ऐसे एंगल से एक बार रेंडर करके देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ब्लैक कलर के लाइट के पैच बन गए तो जिसके कारण क्या हुआ लाइट तो हमारी लगी हुई है लेकिन वो वाला एरिया जो है वो पैच के कारण हमें दिखेगा नहीं बाहर से तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे लाइट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम चले जाएंगे इनविजिबल पे जैसे मैंने इनविजिबल पे टिक किया तो क्या हुआ कि हमारी अगर हमें दोबारा रेंडर करूंगा तो अब क्या हुआ कि हमारी जो लाइट है वो इनविजिबल हो गई लाइट है वहाँ पे लेकिन वो दिख नहीं रही अब ऐसे ही हमारा टॉप वाला जो एरिया है उसको भी मैं इनविजिबल कर दूंगा तो अब मैं वापस कैमरा नंबर थ्री फाइव पे, पे जाऊँगा और मैं उसको रेंडर करूँगा तो अब देखूँगा कि मेरे पास जो लाइट आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है तो सबसे पहले ऊपर वाली जो मेरी लाइट है टॉप वाले एरिया की तो वहाँ का मल्टीप्लायर भी मैं वन कर दूंगा वन करने के बाद देन मैं उसको रेंडर करूँगा तो अब जो है हमारी लाइट जो है ओवरऑल वो हमारी ठीक आ रही है लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर अभी ये रेंडर पूरा होगा तो उसमें क्या है कि नीचे हमारे जो है वो पैच बने आएंगे जैसे आप ये देखेंगे ना यहाँ पे एक स्क्वायर सी लाइन बनी आ रही है मतलब स्ट्रेट लाइन बनी आ रही है ये लाइन तो बनी हुई आ रही है ये लाइन बनी हुई नहीं आनी चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा मैंने भी रेंडर को यहाँ पे बंद किया है और अब मैं जाऊँगा लाइट के अंदर और यहाँ से मैं ये जो वीरे प्लेन है ये वीरे प्लेन के अंदर मैंने रिफ़्लेक्शन का एक मटेरियल दे रखा है तो ऐसे ही मैंने वीरे लाइट को सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लूड में गया और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा वीरे वीरे प्लेन जो है हमारा वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और उसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया ओके करूँगा और यहाँ से भी ऊपर वाले में भी सेम वही करूँगा लाइट के ऊपर एक्सक्लूड करके वीरे प्लेन को राइट में शिफ्ट कर दिया और ओके कर दिया और अब मैं इसका रेंडर लगाऊंगा तो यहाँ पे हमारी जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही थी अब वो नहीं आएगी लाइन अब वो लाइन वहाँ से हट चुकी है तो अभी एक हम ये वाला रेंडर जो है वो पूरा होने देंगे रेंडर पूरा होने के बाद हम देखेंगे कि लाइट्स जो है वो कैसे हमारी दिख रही है तो अभी जो बेसिकली हमारी जो लाइट्स हैं वो ओवरऑल तो अगर मैं देखूं तो मुझे ठीक ही लग रही हैं बस ये जो है पीछे कंसील लाइट्स हैं ये तो इसकी थोड़ी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी हाई लग रही है अदरवाइज तो मुझे ठीक लग रही हैं तो अभी इस कंडीशन में मैं क्या करना चाहता हूँ मेरे को ना इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क स्टोन में करना है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो फेशिया बना हुआ फसाड जो बना हुआ है ये हमारा वाइट में है तो इसमें अगर हल्का सा डार्क पीछे कलर होगा तो उसके कारण जो है हमारा मतलब जो डिज़ाइन है वो निकल के आएगा तो अभी मैं इसकी फिफ्टीन की जगह इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ टेन तो अब हमारा क्या हुआ कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क हो गया अब मैं इसको दोबारा रेंडर करूंगा तो अब रेंडर करने के बाद हल्का सा जो है वो बैकग्राउंड जो है वो मेरा ब्लैक स्टोन में चला गया तो अब ब्लैक स्टोन में जाने के बाद अब जो रेंडर है वो थोड़ा और बेटर आएगा तो अभी जब तक ये हमारा रेंडर हो रहा है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करूंगा सो तो ये हमारा रेंडर जो है वो कम्प्लीट हो गया तो ये जो हमारा फाइनल इमेज है हमारी वो आपके सामने है स्क्रीन पे सो so, इस वीडियो के लिए तो इतना ही बाकी हम मिलेंगे अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो में तो तब तो तक के लिए गुड बाय टेक केयर और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और और ऐसी लर्निंग की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको कुछ और इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पे आप अपनी इंक्वायरी दे सकते हैं या आपको कोई टॉपिक बताना है कि इस टॉपिक पे वीडियो लेके आओ तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा आप जितना हो सके अपने कमेंट्स करिए लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग